हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं बनाने जा रही हूँ मैदे से फ्लोवर वाली मिठाई। ये मिठाई दिखने में इतनी सुंदर है कि लोग देखते ही रह जाएंगे। चलिए इस कमल की फूल की तरह दिखने वाली मिठाई को बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने एक छोटी कटोरी मैदा लिया हुआ है। अब इस मैदे में एक चौथाई चम्मच मीठा सोडा ऐड कर दूंगी। साथ ही मैं एक चुटकी फूड कलर ऐड कर दूंगी, ऑरेंज कलर का। मोन के लिए 2 छोटी चम्मच तेल ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मैं हल्के हल्के पानी की सहायता से कड़क आटा उसन के तैयार कर लूंगी। आटा बिल्कुल लूज नहीं होने चाहिए, आटा कड़क ही रहे। ये देखिए एकदम कड़क आटा उसन के तैयार है। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी। इसी तरह मैं पीले कलर का आटा बनाने के लिए 1 कटोरी मैदा लूंगी और उसमें 1/4 चम्मच मीठा सोडा ऐड कर दूंगी। साथ ही मैं 2 चम्मच तेल ऐड कर दूंगी मोन के लिए और 1 चुटकी पीले कलर का फूड कलर ऐड कर दूंगी और सभी को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मैं हल्के हल्के पानी की सहायता से 1 कड़क आटा उसन के तैयार कर लूंगी। इस आटे को भी हमको एकदम कड़क उसनना है। ये देखिए आटा उसन के तैयार है। इसे भी 5 मिनट के लिए ढक कर रख दूंगी। अब मैं चाशनी बनाने के लिए 1 कटोरी शक्कर लूंगी। ये वही कटोरी है जिससे हमने मैदे को नापा था। अब मैं उसी कटोरी के नाप से 1/2 कटोरी पानी ऐड कर दूंगी। अब मैं इसे चिपचिपी चाशनी बना के तैयार कर लूंगी। हमको चिपचिपी चाशनी बनाना है, एक तार की नहीं बनाना है। ये देखिए चाशनी बन के तैयार है। अब मैं यहाँ पर दोनों कलर के आटे को लूंगी और इनकी बराबर मात्रा में छोटी छोटी लोई बना के तैयार कर लूंगी। अब मैं 1 लोई लूंगी और उसके लड्डू से बना के तैयार कर लूंगी। ये देखिए कुछ इस तरह। अब मैं इसी तरह पीले कलर के आटे के भी लड्डू बना लूंगी। हमें सभी लड्डू बराबर मात्रा में बनाना है, छोटे छोटे। ये देखिए कुछ इस तरह। अब मैं ऑरेंज कलर का लड्डू लूंगी और उंगली की सहायता से गोल गोल फैला लूंगी, कुछ इस तरह से। सभी साइज को बराबर रखना है। ये देखिए ऑरेंज कलर की लोई पूरी सी बन के तैयार हो गई है। अब मैं इसमें पीले कलर का लड्डू ऐड कर दूंगी, पूरी तरह से कवर कर दूंगी और इसे हाथ की सहायता से गोल गोल कर लूंगी। देखिए कुछ इस तरह एक लड्डू बना के तैयार कर लूंगी। अब मैं चाकू की सहायता से चारों तरफ में कट लगा लूंगी। हमें सिर्फ हल्का हल्का कट लगाना है, ध्यान रहे हमारा लड्डू पूरा नहीं कटना चाहिए। चारों दिशा में काटने के बाद हमें इसमें तिरछे कट लगा लूंगी कुछ इस तरह। मुझे इस मिठाई में कमल का फूल का शेप देना है जो इस तरह से कट लगाने से अच्छी तरह से आ जाएगा।
ये देखिए कमल के फूल जैसा सेब बन के तैयार है। अब मैं इसी तरह सारी मिठाइयाँ बना के तैयार कर लूँगी। ये देखिए सभी मिठाइयाँ तैयार हो गई हैं। अब मैं यहाँ पर कढ़ाई में तेल गरम करूँगी। मीडियम लो फ्लेम पर सभी मिठाइयाँ एक एक करके डाल दूँगी। ये देखिए सभी मिठाइयाँ अच्छी तरह से तला रही हैं। एक तरफ से सिकने के बाद अब इन्हें पलट दूंगी और इसे दूसरी साइड से पकने दूंगी। ये देखिए कमल के फूल के दिखने जैसी मिठाई तला चुकी है। अब मैं इन्हें प्लेट में निकाल लूंगी। अब मैं तैयार की हुई चाशनी में गरम गरम ही डाल दूंगी। इन्हें 10 मिनट के लिए चाशनी में डूबे रहने दूंगी। ये देखिए मिठाइयों ने चाशनी को अच्छी तरह से पी लिया है। अब इनको प्लेट में निकाल लूंगी। ये देखिए कमल के फूल की तरह दिखने वाली फ्लोवर वाली मिठाई बन के तैयार है। ये मिठाई दिखने में जितनी सुंदर है उतने खाने में भी लाजवाब है। अब इन्हें बादाम की सहायता से सजा लूंगी। मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।